आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और कई रैलियों को संबोधित करेंगे, जनता से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले दौर का चुनाव हो चुका है, दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, अपने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अपने 10 वर्षों के शासनकाल में किस तरह से जम्मू कश्मीर पर ध्यान दिया, जम्मू कश्मीर का विकास किया है, धारा 370 के हटने के बाद किस तरह से भारत के जो योजनाएं हैं भारत सरकार की वो जम्मू कश्मीर के में लागू हो पाई और उसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पा रहा है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही अपने संकल्प पत्र का भी जिक्र करेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर का बेहतर विकास कैसे होगा, उसके रोडमैप के बारे में भी बताएंगे। अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे राजनाथ सिंह चुनावी रैलियों के जरिए।